हेलो दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि फेसबुक प्रोफाइल को प्राइवेट कैसे करें। जी हाँ, प्राइवेट यानी मैं आपको समझा देता हूँ जैसे अपनी प्रोफाइल को लॉक कैसे करें। लॉक करने के दो फायदे होते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई प्रोफाइल है ठीक है, जिसको अगर आपने लॉक करके रखा हुआ है तो फेसबुक पर चाहे कोई भी हो वो आपका फोटो प्रोफाइल नहीं देख सकता। यानी अगर कोई भी अगर आपकी आईडी को सर्च करेगा तो आपकी आईडी वहां पर शो तो हो जाएगी लेकिन आपका प्रोफाइल वहां पर लॉक दिखाई देगा। कोई भी आपके जितने सारे पोस्ट डले हुए हैं, रील्स डली हैं, वीडियोस डली हैं या जो कुछ भी आपने फेसबुक पर शेयर किया है वो आपका कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि आपका प्रोफाइल उसको लॉक दिखाई देगा। इसका यही फायदा होता है कि कोई भी आपके बिना मर्जी के आपका प्रोफाइल नहीं चेक कर सकता, आपका कुछ भी डेटा नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, तो आपकी मर्जी के बिना आपका प्रोफाइल कोई भी चेक नहीं कर पाएगा, ना ही आपका कोई वीडियोस देख पाएगा, ना ही आपका कोई फोटो पोस्ट यानी कुछ भी देख नहीं पाएगा फेसबुक पर। और आप बात आती है कि जैसे आपने अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखा हुआ है तो अगर जैसे सामने वाला बंदा कोई भी अगर आपके फोटोज वीडियोस देखना चाहता है या फिर अगर आपको फ्रेंड बनाना चाहता है तो उसको केवल एक ऑप्शन दिखाई देगा कि योर प्रोफाइल लॉक, यानी इन्होंने अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखा हुआ है। तो अगर वो आपको अगर आपके फोटोज वीडियोस देखना चाहता है तो सबसे पहले वो उसको आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो आपके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, इन्होंने आपके पास रिक्वेस्ट भेजी है फ्रेंड बनने के लिए। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसको अगर कन्फर्म करते हैं तो वो सामने वाला बंदा आपके फोटोज वीडियोज सारा कुछ देख पाएगा आपके कन्फर्म करने के बाद। अगर आप रिक्वेस्ट को कन्फर्म नहीं करते हैं तो सामने वाला बंदा कोई भी आपका फोटोस वीडियोस यानी डाटा फेसबुक का कुछ भी देख नहीं सकता, आपके फेसबुक का पूरा डाटा आपकी मुट्ठी में रहेगा आपका प्रोफाइल लॉक होने के बाद। तो दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि हम अपने प्रोफाइल को कैसे लॉक करें, तो फेसबुक प्रोफाइल को कैसे लॉक करते हैं उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट पूरा जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें मैं आपको सिंपल और एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप अपना फेसबुक प्रोफाइल आसानी से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और मैं अपने फेसबुक के होम पेज पर आ चुका हूँ। होम पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अपने प्रोफाइल पर जाता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल है अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रोफाइल का मेरा नाम है अमन पाठक, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल है फेसबुक की, ठीक है। अब मैं इसको लॉक करूंगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। अगर आप अपनी प्रोफाइल लॉक करना चाहते हो, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को अनलॉक कैसे करेंगे। पहले मैं आपको अपनी लॉक करके दिखाऊंगा, उसके बाद अनलॉक करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो, मैं फेसबुक के होम पेज पर आ चुका हूँ तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है, ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल लॉक करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर ली है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फेसबुक प्रोफाइल लॉक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थ्री डॉट का आइकन मिल जाता है ये वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल में आपको इस थ्री डॉट के आइकन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यू अस का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू अस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपके प्रोफाइल अभी बाकी लोगों को कैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो हम एक बार ये चेक कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है व्यू अस पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है सभी लोगों को, यहाँ पर कोई भी लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी ये पब्लिक प्रोफाइल है यानी इसको कोई भी देख सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको लॉक करना है तो कैसे करेंगे, देखो मेरी बात को गौर से समझना। अब देखो, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पर आ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इधर थ्री डॉट का आइकन मिल जाता है ये वाला, तो सिंपल वे आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक प्रोफाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉक प्रोफाइल। ये ऑप्शन आपके भी ऐसी तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपल वे आपको इस पर एक बार क्लिक करना है लॉक प्रोफाइल पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और यहाँ पर आएगा ये लॉक प्रोफाइल, यानी अगर आप लॉक करना चाहती है तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है ये वाला। तो सिंपल वे आपको इस पर क्लिक करना है लॉक योर प्रोफाइल पे। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैसेज आ चुका है योर प्रोफाइल हैज बीन लॉक्ड, ठीक है। अब इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब आपका प्रोफाइल लॉक हो चुका है, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉक छपके आने लगा है, यू
लॉकेड योर प्रोफाइल, यानी आपके प्रोफाइल लॉक हो चुकी है। अब आप इसको देखना चाहते हैं कि दूसरे लोगों को हमारी प्रोफाइल कैसी दिखाई दे रही होगी अब लॉक करने के बाद, तो आप इधर थ्री डॉट का आइकन मिल जाता है सिंपल पे, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये वाला व्यूअर्स का, ठीक है। तो सिंपल पे आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना व्यूअर्स। अब आपको अनलॉक करना है, तो कैसे करेगा मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना, ठीक है। आपको यहाँ पे थ्री डॉट का आइकन मिल जाता है ये वाला, तो सिंपल पे आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना थ्री डॉट का आइकन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पहले आपके सामने ऑप्शन क्या आ रहा था, लॉक प्रोफाइल, अब वहीं पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा अनलॉक प्रोफाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं अनलॉक, ठीक है। अनलॉक करनी है तो अनलॉक वाले पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन इंटरफेस दिखाई देगा, तो सिंपल भी आपको बीच वाला ऑप्शन मिलता है अनलॉक का ये वाला, तो सिंपल भी आपको इस पे एक बार क्लिक कर देना अनलॉक पे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा अनलॉक करना चाहते हैं कन्फर्म है, तो आप इस पे यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे अनलॉक पे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख के दे रहा, देखिए यू अनलॉकेड हिज प्रोफाइल, यानी आपने अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ओके कर देंगे। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, देखिए यहाँ से वो लॉक का ऑप्शन गायब हो चुका है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अब पब्लिक हो चुकी है, इसको कोई भी देख सकता है आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी प्रोफाइल को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और दोस्तों अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।